नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे पबजी और जूम ऐप के बारे में। हुआ क्या है कि अभी भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। इसको लेकर के मैंने एक वीडियोस पहले से बना रखी है, उसको आप लोग देख सकते हैं। इनमें टिकटॉक, हेलो, कैम स्कैन और लाइक जैसे लोकप्रिय ऐप शामिल हैं। लेकिन अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पबजी और जूम ऐप पर बैन क्यों नहीं किया गया। लोग उसकी मांग कर रहे हैं, जबकि जूम ऐप के बारे में तो कुछ दिन पहले एक गाइडलाइन होम मिनिस्ट्री ने भी जारी की थी कि ये सिक्योर नहीं है। कुछ लोग आश्चर्य भी जता रहे हैं, इवन मैं भी इसमें शामिल हूँ कि मुझे भी आश्चर्य था अब तक कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया। प्रतिबंध इस पर लगाना बहुत ज़रूरी था इस पर भी। तो देखते हैं ऐसा क्यों है। पबजी यानी प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स भारत के लोकप्रिय गेम में से एक है। इस गेम को साउथ कोरिया की एक कंपनी, टेक कंपनी है ब्लू होल, ने वर्ष 2000 में आई जापानी फिल्म बैटल रॉयल से प्रेरित होकर बनाया है। वहीं अब तक इस गेम को गूगल प्ले स्टोर पर करोड़ों यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं। इसका कुछ बहुत ज़्यादा फेमस है भारत में ये गेम। पबजी गेम में चीनी कनेक्शन क्या है इसका ये भी देख लेते हैं। तो शुरुआती दिनों में चीन की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी जो है टेंसेंट गेम्स, ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा भी है, यहाँ पर टेंसेंट गेम्स ने पबजी को घरेलू बाजार में पेश किया था। इवन जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको पहले लैपटॉप और कंप्यूटर पर खेला जा रहा था, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में टेंसेंट ने ही प्रस्तुत किया था, जो कि चाइनीज कंपनी है। इसके साथ ही गेम बनाने वाली कंपनी की कुछ फीसदी हिस्सेदारी भी खरीदी थी, उसके कुछ शेयर्स भी। हालांकि कुछ समय के बाद चीन में इस गेम को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद कंपनी ने इस गेम को गेम ऑफ पीस के नाम से दोबारा लॉन्च किया। इस तरह देखा जाए तो पबजी गेम की जो मालकी है, यानी जो शेयर होल्डिंग है, वो मिक्स है। टेंसेंट के पास भी कुछ शेयर्स हैं और इसके अलावा साउथ कोरियन कंपनी के पास भी, जो ब्लू होल है, ये साउथ कोरियन कंपनी है, ब्लू होल कंपनी सियोल में स्थित है। इस तरह देखा जाए तो पबजी गेम की जो मालकियत है वो मिक्स है और इसे पूरी तरह से चीनी ऐप नहीं कहा जा सकता। इसमें ज़्यादातर शेयर साउथ कोरियन कंपनी के पास है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। अब चीनी ऐप है जूम, ऐसा लोग मानते हैं, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर लिखा हुआ है एट योर ओन रिस्क। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका अपना रिस्क है, आपके अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके डेटा चोरी हो सकते हैं, ऐसा होम मिनिस्ट्री पहले भी कह चुकी है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पहले ही मैंने लिख दिया एट योर ओन रिस्क। जूम अमेरिकन ऐप है। इस ऐप के संस्थापक हैं एरिक इवान, ये नाम चाइनीज है, इनका जन्म भी चीन में हुआ था, लेकिन वो मूल रूप से अमेरिकी नागरिक हैं। ये वजह है कि जूम ऐप पर बैन नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आखिर जूम ऐप और पबजी पर बैन क्यों नहीं लगाया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के ऑल सेक्शन को क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।